तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, अब के समय में अगर आप किसी भी बैंक में, चाहे कैनरा हो, पीएनबी हो या फिर एसबीआई क्यों ना हो, किसी भी बैंक में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो अगर आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाता है, उस सिचुएशन में आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच एड्रेस, पूरा डिटेल्स आपके सामने हैंड टू हैंड आ जाती है। और साथ ही आपका एटीएम कार्ड यानी कि आपका डेबिट कार्ड 5 to 7 working days के अंदर अंदर आपके घर तक पार्सल करा दिया जाता है। ये तो अब की बात है, बट जो पहले से ऑलरेडी अपना अकाउंट एसबीआई में, कैनरा में या फिर किसी भी बैंक में ओपन कर रखे हैं, तो उनको एटीएम कार्ड नहीं मिला हुआ होता है और एटीएम कार्ड के लिए उनको ब्रांच विजिट करना पड़ता है, उसके लिए उनको अप्लाई करना होता है। सो आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने पहले से एसबीआई में अपना अकाउंट ओपन कर रखा है और अभी तक आपको एटीएम कार्ड नहीं मिला है, चाहे आप ओल्ड कस्टमर हो या फिर आप नए कस्टमर हो, आपने हाल फिलहाल में ही कुछ महीने पहले अकाउंट ओपन किया था बट अभी तक आपको एटीएम कार्ड बैंक की तरफ से नहीं मिला है, तो आप किस तरीके से घर बैठे ही योनो एसबीआई एप्लीकेशन की हेल्प से आप अपना एटीएम कार्ड मंगा सकते हैं, एटीएम कार्ड के लिए कैसे आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी निवेदन है, आप लोग एक बार इस चैनल को विजिट कीजिए, सुमित टॉपिक एवरीवेयर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग ऐप से रिलेटेड और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ई श्रम कार्ड, इन सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम जानकारी मिलती रहेगी। सो एक बार आप लोग जरूर से जरूर विजिट कीजिए। अगर आपको घर बैठे किसी भी बैंक में खाता खोलना हो, केवाईसी करना हो, पैन कार्ड बनवाना हो, तो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी। सो एक बार जरूर से जरूर यहाँ पर विजिट कीजिए, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, बट एक बार विजिट जरूर कीजिए। बात करते हैं मेन पॉइंट की। तो दोस्त, अगर आपको अभी तक आपके बैंक की तरफ से, एसबीआई की तरफ से एटीएम कार्ड नहीं मिला है और आपने काफ़ी दिन पहले अपना अकाउंट ओपन करवा रखा है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अभी मैं आपको एटीएम कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। और अगर आपके पास ऑलरेडी एटीएम कार्ड था लेकिन अब वो एक्सपायर हो चुका है, यानी कि उसकी जो डेट थी, वैलिड डेट, वो खत्म हो चुकी है, या फिर आपका एटीएम कार्ड खो गया, खराब हो गया या फिर कहीं पर चोरी हो गया, तो उस सिचुएशन में भी आप नया एटीएम कार्ड मंगवा सकते हैं और उसका भी प्रोसेस इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। ओके, अब यहां पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, सर्विस रिक्वेस्ट। इस सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि अगर आपका एटीएम कार्ड खो गया हो, चोरी हो गया हो, तो उस सिचुएशन में यहीं से आप अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप अपने एटीएम कार्ड का पिन मैनेज करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो यहीं से आप कर सकते हैं। ओके, तो सारा चीज़ आपको यहीं से करना है, ब्रांच विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब आपको नया एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आ जाना है, आपको एक ऑप्शन दिखेगा एटीएम या डेबिट कार्ड, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस की वजह से यहाँ पर आपको बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट कर देना है, उसके बाद सबमिट। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट कर दिया और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ से देखिए आप अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक करवा सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका एटीएम कार्ड खो जाए या फिर चोरी हो जाए तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। ओके, उसके बाद मैनेज कार्ड कर सकते हैं और यहीं से एक्टिवेट भी कर सकते हैं। ओके, मान लो आपने नया कार्ड के लिए अप्लाई किया एटीएम कार्ड के लिए और आपका एटीएम कार्ड आपके घर तक पार्सल हो गया है, आपको मिल चुका है, तो उस सिचुएशन में आपको उस एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए किसी भी ब्रांच में या फिर एटीएम मशीन के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही योनो एसबीआई एप्लीकेशन की हेल्प से सारा काम कर सकते हैं। ओके, अब मान लो आपको आपका एक न्यू एटीएम कार्ड मंगवाना है या फिर रिप्लेसमेंट करवाना है, तो आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा रिक्वेस्ट न्यू या रिप्लेसमेंट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर में आपको अकाउंट दिख जाएगा, जो भी आपका अकाउंट होगा। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर इस पर क्लिक करके, अगर मान लीजिए आपको एक से ज़्यादा एसबीआई में अकाउंट है, तो यहाँ पर आप दूसरा अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस अकाउंट के लिए आप अपना एटीएम कार्ड मंगवाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरा एक ही अकाउंट है, सिंगल अकाउंट है, मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है।
अब आपको यहाँ पर नेम ऑन कार्ड का ऑप्शन दिखेगा। इस बॉक्स में आपको ये डालना है कि आप अपने एटीएम कार्ड पर क्या नाम रखना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके अकाउंट पर जो नाम है वही नाम आपके एटीएम कार्ड पर भी होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप नाम चेंज करके भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर आप अपना नाम डाल दीजिए। नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको कार्ड सेलेक्ट करना है, आप किस टाइप का एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है, प्लीज सेलेक्ट द टाइप ऑफ कार्ड, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको SBI की तरफ से काफी सारे कार्ड्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पर आपको 5 तरह के डेबिट कार्ड देखने को मिलेंगे जो SBI की तरफ से कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि वीजा कॉन्टैक्ट लेस और रुपे ग्लोबल, वीजा ग्लोबल, मास्टर पे पास इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट लेस और मास्टर ग्लोबल IOCL कॉन्टैक्ट लेस। देखिए कुछ ऐसे यहाँ पर कार्ड हैं जैसे कि मास्टर पे पास इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट लेस या फिर मास्टर ग्लोबल या फिर वीजा ग्लोबल, तो ये सारे के सारे कार्ड इंटरनेशनल हैं। जैसा कि अगर आप इस कार्ड को मंगाते हैं तो आप नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह ही इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह यह एक्सेप्टेबल होगा, ओके। लेकिन अगर आप वहीं पर रुपे ग्लोबल कार्ड मंगाते हैं तो उस सिचुएशन में यह कार्ड इंडियन है और इसे सिर्फ आप इंडिया में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर रुपी ग्लोबल, वीजा ग्लोबल या फिर मास्टर पेपास, जिसको भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, आप जो भी कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा उसका कार्ड का जो चार्ज है अलग अलग है, सभी कार्ड का चार्ज, और विड्रॉल लिमिट भी अलग अलग है, ठीक है ना। मतलब कि एक दिन में किसी से 20,000, किसी से 40,000, किसी से 50,000 ही निकाल सकते हैं, इतना ही लिमिट दिया गया है, ओके। तो सबका अलग अलग विड्रॉल लिमिट है और सबका चार्जेज भी अलग अलग हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि मैं रुपी ग्लोबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप कार्ड को सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आ जाएंगे, सेलेक्ट एड्रेस फॉर डिस्पैच, ओके। एक तो आपका परमानेंट एड्रेस दिखेगा और दूसरा आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दिखेगा। देखिए ये जो एड्रेस है परमानेंट एड्रेस वाले सेक्शन में, ये एड्रेस आपके बैंक अकाउंट से उठा लिया गया है, यानी कि आपके आधार कार्ड पर जो ही एड्रेस है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब अगर आप इसी एड्रेस पर अपना एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं तो आप परमानेंट एड्रेस को सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आप दूसरे एड्रेस पर अपना एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं तो आप दूसरा एड्रेस यानी कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस को सेलेक्ट करके अपना पूरा एड्रेस फिल कर दीजिए, जैसे कि फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर, ठीक है, हाउस, विलेज वगैरह वगैरह। तो आपको पूरा एड्रेस, पिन कोड, ग्राम पंचायत, सारा कुछ आपको डिटेल्स फिल करना है, ओके। तो यहाँ पर मैं परमानेंट एड्रेस पर ही अपना कार्ड लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको इनपुट कर देना है, ओके। यहाँ पर आपको OTP इनपुट करने के बाद सबमिट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अगर OTP नहीं आती है तो आप रिसेंट OTP पर क्लिक कीजिएगा तो आपको OTP मिल जाएगी। जैसे ही आप OTP डाल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली दर्ज कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अब आप बैक आ जाइए यहाँ से, ठीक है। मैंने सबमिट इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना एटीएम कार्ड ले रखा है, इस वजह से मैंने नहीं किया। लेकिन जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका सक्सेसफुली दर्ज कर लिया जाएगा रिक्वेस्ट, और आपको वहां पर रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा। उस रेफरेंस नंबर का आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है, बाद में आपको ट्रैक करने में बहुत ही सहूलियत होगी, मदद मिलेगी, ठीक है। अब आप उसी एप्लीकेशन के थ्रू, मान लो आपने जो भी एड्रेस दिया है परमानेंट एड्रेस, उस एड्रेस पर आपको 5 to 7 working days के अंदर अंदर आपका एटीएम कार्ड पार्सल हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। उसके बाद जब आपका एटीएम कार्ड मिल जाता है तो आपको ना तो ब्रांच जाने की जरूरत है और ना ही एटीएम मशीन पर जाने की जरूरत है, यहीं से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। देखिए जब आपका एटीएम कार्ड आपको मिल जाए तो आप यहीं पर इसी पेज पर आइएगा, सर्विस रिक्वेस्ट वाले पेज पर, और यहां पर जहां पर आपको रिक्वेस्ट न्यू और रिप्लेसमेंट का ऑप्शन दिख रहा है उसके जस्ट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा एक्टिवेट कार्ड, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहां पर सबसे पहले आपको अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर इनपुट कर देना है, जो आपको कार्ड नंबर मिला होगा, यानी कि एटीएम कार्ड जो आपको मिला है उस पर कार्ड नंबर लिखा हुआ होता है, उस कार्ड नंबर को इस बॉक्स में फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। हो सकता है आपसे एटीएम कार्ड का CVV नंबर भी पूछा जाए तो आप डाल दीजिएगा, अदरवाइज जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आप फिल कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका जो एटीएम कार्ड है यहीं से घर बैठे एक्टिवेट हो जाएगा, और अब आप उस एटीएम कार्ड को कहीं पर भी ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2023 में घर बैठे ही अपना SBI का एटीएम कार्ड मंगा सकते हैं और
से घर बैठे ही आप एक्टिवेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो आज बस इतना ही। सो आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी और मुझे पूरा उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना ATM कार्ड घर बैठे ही मंगा सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।